धन्यवाद। अध्यक्ष इन स्पेस डॉक्टर पवन गोयनका जी से नम्र अनुरोध है कि वे अपना स्वागत संबोधन दें। नमस्कार, मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इन स्पेस मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में स्वागत करते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय सांसद श्री आर पाटिल भी आज इस समारोह की शोभा बढ़ा रहे हैं। कई अन्य गणमान्य महानुभावित भी उपस्थित हैं, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और स्पेस कमीशन के सदस्य श्री अजीत डोवाल, स्पेस कमीशन के चेयरमैन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी श्री सोमनाथ जी, स्पेस कमीशन के सदस्य श्री तल्लीन कुमार, अनेक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इन स्पेस बोर्ड के सदस्य, इसरो के अधिकारीगण और स्पेस सेक्टर में एक्टिव इंडस्ट्रीज के सीईओज और फाउंडर्स एवं कई एकेडमिक संस्थानों के डायरेक्टर्स और वाइस चांसलर्स। गाइडेड बाय द न्यू स्पेस रिफॉर्म्स, स्पेस सेक्टर के विकास में आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। प्राइवेट एंटरप्राइजेज में स्पेस सेक्टर को बढ़ावा देने और इस सेक्टर में उनकी भागीदारी को ऑथराइज करने के लिए ही माननीय मंत्री जी के विजन से ही इन स्पेस की परिकल्पना की गई थी। इन स्पेस के हेडक्वार्टर का उद्घाटन उस विजन को पूरा करने की शुरुआत है। मुझे खुशी है कि इन स्पेस इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक श्री विक्रम साराभाई के जन्म स्थान से संचालित होगा और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारत के प्राइवेट सेक्टर, विशेष रूप से युवा स्टार्टअप्स में भारतीय स्पेस सेक्टर को एक नए ऑर्बिट में ले जाने की क्षमता है। एग्जिबिट एरिया का भ्रमण करते समय हमारे डिग्निटरीज पहले ही उस क्षमता को देख चुके हैं और इस इवेंट के बाद आपको भी ये क्षमता देखने का अवसर मिलेगा। हमारे इंडस्ट्री की ज़रूरत है एक हेल्पिंग हैंड की और वह उन्हें इन स्पेस उपलब्ध कराएगा, क्योंकि इन स्पेस एक प्रमोटर, इनेबलर, ऑथराइजर और सुपरवाइजर की भूमिका निभाएगा। इन स्पेस ने कल इंडस्ट्री के साथ 10 एमओयू साइन किए थे। इन एमओयू का आज आदान प्रदान किया जाएगा और इनमें से ज़्यादातर एमओयू का काम अगले 8 से 10 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें 8 पेलोड हैं और 2 व्हीकल लॉन्चेज हैं। हमने इंडस्ट्री के उपयोग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी शुरू किया है, जिसे कि आप बाद में देखेंगे। इन स्पेस माननीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के विज़न के तहत दुनिया भर के लिए इसरो और प्राइवेट एंटरप्राइजेस की मदद से भारत को एक स्पेस पोर्ट बनाना चाहता है। मैं मंच पर उपस्थित सभी डिग्नेटरीज के मार्गदर्शन और आज यहाँ उपस्थित सभी लोगों से इस यात्रा में एक्टिव पार्टिसिपेशन की प्रार्थना करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन प्राप्त करना है, इसलिए अधिक समय न लेते हुए मैं अपना बहुमूल्य समय देने के लिए डिग्नेटरीज को तथा विशेष रूप से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर को स्पेस सेक्टर के हेतु बोल्ड विजन के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। महोदय, आज यहां आपकी उपस्थिति के लिए हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर गोयनका जी। अब मैं हमारे बीच में उपस्थित माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से सादर अनुरोध करता हूं कि वे हमें अपने उद्बोधन से कृतार्थ करें। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए अति महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम में आज मंच पर उपस्थित, जिनकी कल्पना के कारण ही आज इन स्पेस अस्तित्व में आ रहा है, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष और सांसद श्री सी आर पाटिल जी, अध्यक्ष इसरो श्री एस सोमनाथ जी, अध्यक्ष इन स्पेस श्री पवन कुमार गोयनका जी
और उपस्थित इस क्षेत्र के सभी महानुभव, आज मोदी जी के हाथ से इन स्पेस के मुख्यालय के उद्घाटन के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पड़ाव आज पारित किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में अंतरिक्ष के क्षेत्र में अब तक इसरो ने जो कुछ भी उपलब्धियां प्राप्त की थी, भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो कुछ भी उपलब्धियां प्राप्त की थी उसको प्रैक्टिकल उपयोग में लाना, जमीन पर उतारना और इसके साथ साथ निजी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां और स्टार्टअप्स सभी को इसके साथ जोड़कर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए आगे आए। ये कल्पना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 साल पहले की और इसकी शुरुआत अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रमुख सुधारों से हुई। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र की अपार संभावनाओं के द्वार तो इससे खुलेंगे ही, इसके साथ साथ भारतीय अंतरिक्ष उद्योग हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर भी बनेगा। आज स्पेस से जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण कंपनीज के निर्देशक और स्टार्टअप्स यहाँ पर उपस्थित है, तब मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आज़ादी के 75वें साल में हम हैं, 2014 के पहले जितनी भी सरकारें बनी, मैं बहुत बारीकी से स्टडी करने के बाद मेरी बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में जितना काम होना चाहिए था नहीं किया। अनेक क्षेत्र ऐसे थे जो भारतीय लोगों के लिए, भारतीय समाज के लिए, भारत के टेक्नोक्रेट्स के लिए अनछुए रह गए, क्योंकि इसके अनुकूल नीति ही नहीं थी। मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा अगर परिवर्तन किया तो भारत सरकार ने अनेक क्षेत्रों के अंदर नीति निर्धारण कर और इसके अनुरूप सरकार के कार्यक्रमों की रचना कर अनेक क्षेत्रों की संभावनाओं को खोलने का काम किया। स्पेस उसमें से एक है। इसके अलावे नई ड्रोन नीति बनी है, आयुष्मान भारत के साथ जोड़कर नई स्वास्थ्य नीति बनी है, मेक इन इंडिया के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की नीति बनी है, स्टैंडअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, उड़ान, आत्मनिर्भर भारत, PLI योजना, ग्रीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, DBT, जैम, सुलभ भारत, मिशन शक्ति, GST का जमीन पर उतारना, स्मार्ट सिटी, कई सारी नीतियां और कार्यक्रम इस प्रकार से बनाए गए कि नए नए क्षेत्रों के लिए भारत का बाजार भी खुला है, भारत के युवाओं के लिए एक इस प्रकार के मंच की, एक प्लेटफॉर्म की रचना हुई है जहां खड़ा रहकर वो विश्व के युवाओं के साथ स्पर्धा कर सके। और आज मोदी जी ने ये जो इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया है वो अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए, हमारे लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के बहुत सारी संभावनाओं को तराशने का और उसको जमीन पर उतारने का माध्यम बनने वाली है। 21वीं सदी का भारत आज जिस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जो रिफॉर्म कर रहा है, उसका मूल आधार मोदी जी की भारत के लोगों की क्षमता पर अटूट विश्वास है। मित्रों, आज मैं कोई अतिशयोक्ति के बगैर कहना चाहता हूँ, मैं अभी 13 स्टार्टअप के स्टॉल को देखकर आया हूँ, मुझे पूरा विश्वास है ये छोटा सा दिखाई पड़ने वाला कार्यक्रम भारत को स्पेस के क्षेत्र में जायंट बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम सिद्ध होने वाला है। मोदी जी ने स्पेस क्षेत्र, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस एप्लीकेशन
और स्पेस की एप्लीकेशन का कल्याणकारी उपयोग, इस सबों को संजोने के लिए इसकी कल्पना की थी। आज ये कार्यक्रम उसी कल्पना का एक कड़ी है। मुझे बहुत आनंद है कि आज नरेंद्र भाई ने जो कल्पना की थी उसको जमीन पर उतरते हुए हम सब देख रहे हैं। नरेंद्र भाई का एक कोट है, मैं कहकर मेरी बात को समाप्त करूंगा। आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में जरूरत इस बात की है कि प्रतिभा पर किसी तरह की बंदिश न हो, चाहे वो प्रतिभा सार्वजनिक क्षेत्र की हो या निजी क्षेत्र की। यहाँ से निजी क्षेत्र की प्रतिभाओं को भी प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, असिस्टेंस भी मिलेगा और उनकी खोजों को जमीन पर उतारने के लिए एक रास्ता भी यहीं से तराशा जाएगा। मैं आज इनस्पेस के अध्यक्ष और इसरो के अध्यक्ष दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और समग्र देश की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे देश के युवाओं को इन्होंने एक कभी खत्म न होने वाली संभावनाओं को खोलने का काम किया है। वंदे मातरम। आपका हृदय से आभार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी। अंतरिक्ष कार्यक्रम के आज के ऐतिहासिक दिवस पर गर्वी गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी से नम्र निवेदन है कि वे अपना उद्बोधन दें। भारत सरकारना अंतरिक्ष विभाग द्वारा आयोजित इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटरना मुख्यालयना लोकार्पण प्रसंगे अपनी सौनी वच्चे उपस्थित गुजरातना पनोता पुत्र, वैश्विक नेता, टेक्नोसेवी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहेब, गांधीनगर लोकसभाना प्रजावत्सल्य सांसद, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह, प्रदेश अध्यक्ष श्री सी आर पाटिल जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल जी, इन स्पेस चेयरमैन श्री पवन गोयंका जी, सेक्रेटरी श्री एस सोमनाथ जी, टीम इन स्पेस ना सौ सदस्य, वैज्ञानिक क्षेत्र ना सौ अग्रणीय, अंतरिक्ष जगतना तज्ञश्रीओ और प्रेस मीडिया ना मित्रों, सौ ने मारा नमस्कार। आजे अमदावादना आंगणे इसरोना इन स्पेस हेडक्वार्टरनु उद्घाटन वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदी वरद हस्ते थयुं छे। इसरो अने अमदावाद ने जूनो संबंध छे। इसरोनी स्थापना में अमदावाद अने अमदावादी एवा डॉक्टर विक्रम साराभाईनी महत्वनी भूमिका हती। अमदावादनो एक तो विस्तार तो आजे पण सेटेलाइट एरिया तरीके आजे ओळखाय छे। इसरोनी शुरुआत डॉक्टर साराभाई अमदावाद में स्थापेला एक सेंटर थी करी हती। आजे इसरो विश्व विकास संस्था बनी गई छे। वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ना दृष्टिवंत नेतृत्व में इसरोए नवा आयामों सर कर्या छे। इन स्पेस हेडक्वार्टर कार्यरत करावीने आदरणीय वडाप्रधाने अवकाशी शोध संशोधनना द्वार प्राइवेट प्लेयर्स माटे खोली आप्या छे। अवकाशी विज्ञान में रुचि धरावता विद्यार्थीओ, शिक्षकों, खानगी कंपनियों के उद्योगों हवे इसरो साथे भागीदारी में स्पेस प्रोजेक्ट करी सकते। भोपालनु आ इन स्पेस हेडक्वार्टर सिंगल विंडो क्लियरेंस आपती नोडल एजेंसी तरीके काम करते। उद्योगकारों, टेक्नोक्रेट्स, स्टार्टअप करना युवाओं पण हवे अवकाश विज्ञान क्षेत्र शोध संशोधन करवानु पोतानु सपनु साकार करी सकते। गामडानो कोई विद्यार्थी रात्रे अगासी पर थी आकाश ने निखरता निखरता अवकाश विज्ञान बनवाना करेला संकल्प ने साकार करवा माटेनु प्लेटफॉर्म आदरणीय वडाप्रधाने पूरू पाड्यू छे। तेमना मार्गदर्शनना परिणामे भारते स्पेस डिफेन्स टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च स्टार्टअप अने डेमोस्टिक प्रोडक्शन एम दरेक क्षेत्रे हरणभार भरी छे।
તેમણે સફળ શાસનના 8 વર્ષ હમણાં જ પૂરા કર્યા છે. આ 8 વર્ષના કાર્યકાળમાં દેશના નાગરિકને સુરક્ષા અને વિકાસની અનુભૂતિ થઈ છે. દેશના ગરીબ માનવીને સરકારમાં વિશ્વાસ પ્રસ્થાપિત થયો છે. ગરીબ નાગરિકને હવે વિશ્વાસ છે કે તેમને કોઈની સામે હાથ લાંબો કર્યા વગર પોતાનો હક મળશે. વડાપ્રધાનશ્રી આજે સવારે જ આદિજાતિ જિલ્લાને વિકાસના કામોની ભેટ આપી અને અત્યારે અહીં ઇનસ્પેસ હેડક્વાર્ટરના લોકાર્પણમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. તેમની પ્રેરણાથી રિસર્ચ પણ એવી દિશામાં થઈ રહ્યું છે કે જેનાથી દેશના નાનામાં નાના નાગરિકના જીવનના ધોરણમાં બદલાવ આવે. આજે કૃષિ, મત્સ્ય ઉદ્યોગ, આરોગ્ય જેવા ક્ષેત્રમાં નવીન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ વધી રહ્યો છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વિજ્ઞાનની સાથે રિસર્ચને પ્રોત્સાહન માટે પણ સૂત્ર આપ્યું છે, જય જવાન, જય કિસાન, જય વિજ્ઞાન અને જય અનુસંધાન. તેના કારણે આજે દેશમાં રિસર્ચ ક્ષેત્રમાં અનેક ગણો વધારો થયો છે. ઘણા નવા નવા સ્ટાર્ટઅપ્સ સામાન્ય લોકોના રોજબરોજના જીવનને સફળ કરવા ઇનોવેશન લાવી રહ્યા છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીનો વિજ્ઞાન માટેનો પ્રેમ અને તેમના દ્વારા વિજ્ઞાનીઓને અપાતા પ્રોત્સાહનના ભાવુક દ્રશ્યો આપણે સૌએ જોયા છે. ઈસરોની દરેક સિદ્ધિઓ તેઓ પોતાની ટ્વીટ દ્વારા વિશ્વભરના લોકો સમક્ષ મૂકે છે. આ અભિગમને કારણે ઈસરોને પણ ઘણું પ્રોત્સાહન મળ્યું છે. મારા માટે એક મુખ્યમંત્રી તરીકે અને આ વિસ્તારના ધારાસભ્ય તરીકે ખૂબ આનંદની વાત છે કે દેશની આ ઐતિહાસિક પહેલ મારા મતક્ષેત્રમાં થઈ રહી છે. હું આ વિસ્તારના ધારાસભ્ય તરીકે અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે પણ આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીનો આ ભેટ આપવા માટે આભાર વ્યક્ત કરું છું. દેશના વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રેરણાથી આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે. મને વિશ્વાસ છે કે વિજ્ઞાનરૂપી અમૃત આવનાર દિવસોમાં દેશના કરોડો નાગરિકના જીવનમાં સકારાત્મક બદલાવ લાવશે. આ અમૃતકાળમાં ઈસરો પણ વિશ્વમાં પોતાની સિદ્ધિઓની ધજા લહેરાવશે એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રીજી. અબ હમ ઇન સ્પેસ ઓર નિજી ક્ષેત્ર કે સ્ટાર્ટઅપ્સ કે બીચ કિયે જાને વાલે MOU એક્સચેન્જ કાર્યક્રમ કી શરૂઆત કરતે હૈં. ઇન સ્પેસ કે ડાયરેક્ટર્સ ઓર સાયન્ટિફિક સેક્રેટરી ઇસરો સે વિનમ્ર અનુરોધ હૈ કે વે MOU એક્સચેન્જ મંચ પર પધારે. સર્વપ્રથમ મેં અગ્નિકુલ કોસ્મોસ ચેન્નાઈ કો MOU એક્સચેન્જ કે લીએ આમંત્રિત કરતા હું. યહ MOU મુખ્યતઃ ડેટા એવં ટેકનિકલ ઇન્ફોર્મેશન શેરિંગ, લોન્ચ વિહિકલ્સ કી પ્રણાલીઓ કે ડેવલપમેન્ટ ઓર ટેસ્ટિંગ હેતુ ઇસરો કી સુવિધાઓ કે ઉપયોગ એવં સહયોગ કે લીએ કિયા ગયા હૈ. ધન્યવાદ. દ્વિતીય MOU કે લીએ એસ્ટ્રોમ ટેકનોલોજીસ બેંગલુરુ કો આમંત્રિત કરતા હું. મિલીમીટર વેવ કોમ્યુનિકેશન મોડ્યુલ, સંબંધિત પ્રોડક્ટ્સ ઓર પેલોડ કે લીએ ટેસ્ટિંગ, ક્વાલિફિકેશન ઓર કન્સલ્ટન્સી સપોર્ટ હેતુ યહ MOU કિયા ગયા હૈ. અગલે MOU કે લીએ બેલેટ્રિક્સ એરોસ્પેસ બેંગલુરુ કો આમંત્રિત કરતા હું. ઇસરો કે સુટેબલ સ્પેસ બેસ્ડ પ્લેટફોર્મ પર બેલેટ્રિક્સ દ્વારા વિકસિત સ્પેસ ગ્રેડ પ્રોપલ્શન સિસ્ટમ કે લોન્ચિંગ ઓર ઇન ઓર્બિટ ટેસ્ટિંગ હેતુ યહ MOU કિયા ગયા હૈ. ધન્યવાદ. અગલે MOU કે લીએ આમંત્રિત હૈ ધ્રુવા સ્પેસ હૈદરાબાદ. ઇસ MOU કે તહત ઇસરો કી સુવિધાઓ મેં સોલર પેનલ્સ કે ટેસ્ટિંગ ઓર ઇવેલ્યુએશન કરને, PSLV સ્ટેજ 4 ઓર્બિટલ પ્લેટફોર્મ પર પ્રયોગ કરને એવં થાઇબોલ્ટ 1 ઓર થાઇબોલ્ટ 2 નામક દો ઉપગ્રહો કે લોન્ચિંગ હેતુ કાર્ય કિયે જાયેંગે. ધન્યવાદ. અગલે MOU કે લીએ આમંત્રિત હૈ દિગંતરા રિસર્ચ એન્ડ ટેકનોલોજીસ બેંગલુરુ. ઇસરો કે સુટેબલ સ્પેસ બેસ્ડ પ્લેટફોર્મ પર દિગંતરા કે સ્પેસ વેધર મોનિટરિંગ પેલોડ એવં સ્પેસ સિચ્યુએશનલ અવેરનેસ વિકસિત કરને કે લીએ યહ MOU કિયા ગયા હૈ. ધન્યવાદ. અગલે MOU એક્સચેન્જ કે લીએ આમંત્રિત હૈ ગ્રાઉન્ડ ટ્રુથ ટેકનોલોજી, રિમોટ સેન્સિંગ ડેટા એવં એડવાન્સ્ડ ઇમેજ પ્રોસેસિંગ ટેકનિક્સ કે ઉપયોગ સે વાણિજ્યિક, શૈક્ષિક ઓર અન્ય સંબંધિત એપ્લિકેશન્સ કે લીએ તથ્ય.અર્થ ઓર ઇસરો કે બીચ યહ MOU કિયા ગયા હૈ.
धन्यवाद। अगले एमओयू के लिए इंडियन टेक्नोलॉजी कांग्रेस एसोसिएशन बेंगलुरु को आमंत्रित करते हैं। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों एवं कॉलेजों के छात्रों द्वारा बनाए गए 75 उपग्रहों के इसरो द्वारा लॉन्चिंग के लिए यह एमओयू किया गया है। धन्यवाद। अगले एमओयू के विनिमय के लिए पता नेविगेशंस इंदौर को आमंत्रित करते हैं। इसरो की जियो स्पेशियल सर्विसेज एवं एप्लीकेशन इंटरफेसेस का उपयोग करके एक सशक्त एड्रेसिंग सिस्टम बनाना इस एमओयू का लक्ष्य है। धन्यवाद। अगले एमओयू हेतु स्काईरूट स्पेस एरोस्पेस हैदराबाद को आमंत्रण है। यह एमओयू स्पेस लॉन्च व्हीकल्स की सिस्टम्स के डेवलपमेंट एवं टेस्टिंग के लिए इसरो की सुविधाओं का उपयोग करने हेतु किया गया है। धन्यवाद। इस क्रम में अंतिम एमओयू के लिए स्पेस किड्स इंडिया चेन्नई को आमंत्रण है। 75 सरकारी स्कूलों की 750 छात्रों द्वारा निर्मित आज़ादी सेट नामक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट को इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने हेतु यह एमओयू किया गया है। आज का यह अंतिम एमओयू आज़ादी के अमृत वर्ष के दौरान बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की दिशा में एक और सार्थक कदम है। धन्यवाद। जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतज़ार था वह घड़ी अब आ गई है। इस शुभ अवसर पर मैं अत्यंत विनम्रता से परम सम्माननीय एवं लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार। केंद्र में मंत्रिमंडल के मेरे साथी और इसी क्षेत्र के सांसद, केंद्र के गृह मंत्री श्री अमित शाह, गुजरात के लोकप्रिय मृदु एवं मक्कम मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल जी, संसद में मेरे साथी श्री सीआर पाटिल, इनस्पेस के चेयरमैन पवन गोयनका जी, स्पेस विभाग के सचिव श्री एस सोमनाथन जी, भारत की स्पेस इंडस्ट्री के सभी प्रतिनिधि, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज 21वीं सदी के आधुनिक भारत की विकास यात्रा में एक शानदार अध्याय जुड़ा है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर यानी इन स्पेस के हेडक्वार्टर के लिए सभी देशवासियों को और विशेष करके साइंटिफिक कम्युनिटी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर युवाओं को कुछ एक्साइटिंग या इंटरेस्टिंग पोस्ट करना होता है तो उससे पहले वो अलर्ट करते हैं और अलर्ट में मैसेजिंग करते हैं, वॉच दिस स्पेस, वॉच दिस स्पेस। भारत की स्पेस इंडस्ट्रीज के लिए इन स्पेस का लॉन्च होना वॉच दिस स्पेस मोमेंट की तरह ही है। इन स्पेस भारत के युवाओं को, भारत के बेस्ट साइंटिफिक माइंड्स को अपने टैलेंट दिखाने का एक अभूतपूर्व अवसर है। चाहे वो सरकार में काम कर रहे हो सेक्टर में, इन स्पेस सभी के लिए बेहतरीन अवसर लेकर के आया है। इन स्पेस में
भारत की स्पेस इंडस्ट्रीज में क्रांति लाने की बहुत क्षमता है और इसलिए मैं आज जरूर इस बात को कहूंगा कि वॉच दिस स्पेस, इन स्पेस इज फॉर स्पेस, इन स्पेस इज फॉर पेस, इन स्पेस इज फॉर एस। साथियों, दशकों तक भारत में स्पेस सेक्टर से जुड़ी प्राइवेट इंडस्ट्री को सिर्फ वेंडर के तौर पर ही देखा गया। सरकार ही सारे स्पेस मिशन और प्रोजेक्ट्स पर काम करती थी। हमारे प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों से जरूरत के हिसाब से बस कुछ पार्ट्स और इक्विपमेंट्स ले लिए जाते थे। प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ वेंडर बना देने की वजह से उसके सामने आगे बढ़ने के रास्ते हमेशा अवरुद्ध रहे, एक दीवार खड़ी रही। जो सरकारी व्यवस्था में नहीं है, भले ही वो कोई वैज्ञानिक हो या फिर कोई युवा, वो स्पेस सेक्टर से जुड़े अपने आइडियाज पर काम ही नहीं कर पाते थे। और इस सब में नुकसान किसका हो रहा था? नुकसान देश का हो रहा था। और इस बात गवाह है कि आखिर बिग आइडियाज ही तो विनर्स बनाते हैं। स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म करके, उसे सारी बंदिशों से आजाद करके, इन स्पेस के माध्यम से प्राइवेट इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करके देश आज विनर्स बनाने का अभियान शुरू कर रहा है। आज प्राइवेट सेक्टर सिर्फ वेंडर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि स्पेस सेक्टर में बिग विनर्स की भूमिका निभाएगा। भारत के सरकारी स्पेस संस्थानों का सामर्थ्य और भारत के प्राइवेट सेक्टर का पैशन जब एक साथ जुड़ेगा तो उसके लिए आसमान भी कम पड़ेगा। इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। जैसे भारत के आईटी सेक्टर का सामर्थ्य आज दुनिया देख रही है, वैसे ही आने वाले दिनों में भारत के स्पेस सेक्टर की ताकत नई ऊंचाई पर होगी। इन स्पेस, स्पेस इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और इसरो के बीच ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को भी फैसिलिटेट करने का काम करेगा। प्राइवेट सेक्टर इसरो के रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी कर सके, इसरो के साथ मिलकर काम कर सके, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। साथियों, स्पेस सेक्टर में ये रिफॉर्म करते समय मेरे मैंने हमेशा भारत के युवाओं का असीम सामर्थ्य रहा। और अभी जिन स्टार्टअप्स में जाकर के मैं आया हूं, बहुत छोटी आयु के नौजवान और बहुत बुलंद हौसले के साथ वो कदम आगे रख रहे हैं। उनको देख करके, उनको सुन करके मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। मैं इन सभी नौजवानों को बधाई देता हूं। स्पेस सेक्टर में पहले की जो व्यवस्थाएं थी उसमें भारत के युवाओं को उतने मौके नहीं मिल रहे थे।
देश के नौजवान अपने साथ इनोवेशन, एनर्जी और स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन को लेकर आते हैं। उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी बहुत होती है। ये किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर कोई युवा कोई इमारत बनाना चाहे तो क्या हम उसे कह सकते हैं कि सिर्फ पीडब्ल्यूडी से बनवाओ? अगर कोई युवा कुछ इनोवेट करना चाहता है तो क्या उसे हम बोल सकते हैं कि ये काम सिर्फ गवर्नमेंट फैसिलिटी से ही होगा? ये सुनने में ही अजीब लगता है, लेकिन हमारे देश में अलग अलग सेक्टर्स में यही हालत थी। ये देश का दुर्भाग्य रहा कि समय के साथ रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शन, इसके बीच में जो अंतर होता है उसे भुला दिया गया। आज जब भारत का युवा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा भागीदार बनना चाहता है तो हम उसके सामने ये शर्त नहीं रख सकते कि जो करना है सरकारी रास्ते से ही करो। ऐसी शर्त का जमाना चला गया। हमारी सरकार भारत के युवाओं के सामने से हर अवरोध को हटा रही है, लगातार रिफॉर्म्स कर रही है। डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए खोल देना, आधुनिक ड्रोन पॉलिसी बनाना हो, जियो स्पेशल डाटा गाइडलाइंस बनानी हो, टेलीकॉम आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम एनीवेयर की सहूलियत देनी हो, सरकार हर दिशा में काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि हम भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए ज्यादा से ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल बनाएं, ताकि देश का प्राइवेट सेक्टर देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग में उतनी ही मदद करे। साथियों, यहां आने से पहले अभी मैं इन स्पेस की टेक्निकल लैब और क्लीन रूम भी देख रहा था। यहां सैटेलाइट के डिजाइन, फैब्रिकेशन, असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग के लिए आधुनिक उपकरण भारतीय कंपनियों के लिए उपलब्ध होंगे। यहां और भी कई आधुनिक फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे जो स्पेस इंडस्ट्री का सामर्थ्य बढ़ाने में मदद करेगा। आज मुझे प्रदर्शनी एरिया को भी देखने स्पेस इंडस्ट्री और स्पेस स्टार्टअप के लोगों से बात करने का भी मौका मिला। मुझे याद है जब हम स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म कर रहे थे तो कुछ लोग आशंका जता रहे थे कि स्पेस इंडस्ट्री में कौन प्राइवेट प्लेयर आएगा, लेकिन आज स्पेस सेक्टर में 60 से ज्यादा भारतीय प्राइवेट कंपनियां आज ऑलरेडी उसमें लीड कर रही हैं और उनको देख करके मुझे और प्रसन्नता हुई है। आज मुझे गर्व है कि हमारे प्राइवेट इंडस्ट्री के साथियों ने लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट, ग्राउंड सेगमेंट और स्पेस एप्लीकेशन के क्षेत्रों में तेजी से काम शुरू कर दिया है। पीएसएलवी रॉकेट के निर्माण के लिए भी भारत के प्राइवेट प्लेयर्स आगे आए हैं। इतना ही नहीं, कई प्राइवेट कंपनियों ने तो अपने खुद के रॉकेट की डिजाइन भी तैयार कर ली है। ये भारत के स्पेस सेक्टर की असीमित संभावनाओं की एक झलक है। इसके लिए मैं अपने साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, युवा उद्यमियों और सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं।
और इस पूरी यात्रा में ये जो नया मोड़ आया है, एक नई ऊंचाई का रास्ता चुना है, उसके लिए अगर मुझे किसी को सबसे ज्यादा बधाई देनी है, किसी को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना है, तो मेरे इसरो के लोगों को धन्यवाद देना है। हमारे इसरो के पुराने सचिव यहां सामने बैठे हैं, जिन्होंने इस बात को लीड किया, और अब हमारे सोमनाथ जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और इसलिए मैं इसकी पूरी क्रेडिट मेरे इन इसरो के साथियों को दे रहा हूं, इन साइंटिस्टों को दे रहा हूं। ये छोटा निर्णय नहीं है दोस्तों, और ये स्टार्टअप वालों को पता है कि इतने महत्वपूर्ण निर्णय के कारण वो हिंदुस्तान को और दुनिया को क्या कुछ देने के लिए बुलंद हौसला रखते हैं, और इसलिए इसकी पूरी क्रेडिट इसरो को जाती है। उन्होंने इस काम में बढ़ चढ़ करके कदम उठाए हैं, चीजों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कोशिश की है, और जहां अपनी ही मालिकी थी वो कह रहे नहीं, आइए देश के नौजवान, ये आपका है, आप आगे बढ़िए। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी डिसीजन है। साथियों, हम इस समय अपनी आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज भारत में हमारी जिन सफलताओं ने करोड़ों देशवासियों को प्रेरणा दी, उन्हें आत्मविश्वास दिया, उनमें हमारी स्पेस उपलब्धियों का विशेष योगदान है। इसरो जब कोई रॉकेट लॉन्च करता है, कोई अभियान अंतरिक्ष में भेजता है, तो पूरा देश उससे जुड़ जाता है, गर्व महसूस करता है, देश उसके लिए प्रार्थनाएं करता है, और जब वो सफल होता है तो हर देशवासी आनंद, उमंग और गर्व से उसकी अभिव्यक्ति करता है, और उस सफलता को हिंदुस्तान का हर नागरिक खुद की सफलता मानता है। और अगर कहीं कुछ अनहोनी हो जाए, अकल्पनीय हो गया, तो भी देश अपने वैज्ञानिकों के साथ खड़े होकर उनका हौसला बढ़ाता है। कोई साइंटिस्ट है या किसान मजदूर है, विज्ञान की तकनीकियों को समझता है या नहीं समझता है, इन सबसे ऊपर हमारा स्पेस मिशन देश के जन गण के मन का मिशन बन जाता है। मिशन चंद्रयान के दौरान हमने भारत की इस भावनात्मक एकजुटता को देखा था। भारत का अंतरिक्ष अभियान एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी पहचान रहा है। अब जब इस अभियान को भारत के प्राइवेट सेक्टर की ताकत मिलेगी, तो उसकी शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, 21वीं सदी के इस समय में आपकी हमारी जिंदगी में हर रोज स्पेस टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ती जा रही है। जितनी ज्यादा भूमिका, जितने ज्यादा एप्लीकेशन, उतनी ही ज्यादा संभावनाएं। 21वीं सदी में स्पेस टेक एक बड़े रिवॉल्यूशन का आधार बनने वाला है। स्पेस टेक अब केवल दूर स्पेस की नहीं, बल्कि हमारे पर्सनल स्पेस की टेक्नोलॉजी बनने जा रही है। सामान्य मानवी के जीवन में स्पेस टेक्नोलॉजी की जो भूमिका है, रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरह स्पेस टेक्नोलॉजी शामिल है, उसकी तरफ
अक्सर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। हम टीवी खोलते हैं, इतने सारे चैनल्स हमें उपलब्ध हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये सैटेलाइट की मदद से हो रहा है। कहीं आना जाना हो, ये देखना हो कि ट्रैफिक है या नहीं, शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है, ये सब किसकी मदद से हो रहा है? सैटेलाइट की मदद से हो रहा है। अर्बन प्लानिंग के इतने काम हैं, कहीं रोड बन रहे हैं, कहीं ब्रिज बन रहे हैं, कहीं स्कूल, कहीं अस्पताल बन रहे हैं, कहीं ग्राउंड वाटर टेबल चेक करना है, इंफ्रा प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करनी है, ये सारे काम सैटेलाइट की मदद से हो रहे हैं। हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं उनकी प्लानिंग के लिए, उनके डेवलपमेंट में भी स्पेस टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है। समुद्र में जाने वाले मछुआरों को भी सैटेलाइट के जरिए फिशिंग और समुद्री तूफानों की जानकारी पहले से ही मिल जाती है। आज बारिश के जो अनुमान आ रहे हैं और करीब करीब सही निकल रहे हैं, उसी प्रकार से जब साइक्लोन आता है, एग्जैक्ट उसका फॉल पॉइंट क्या होगा, किस दिशा में जाएगा, कितने घंटे कितने मिनट पर वो फॉल करेगा, ये सारी बारीकियां सैटेलाइट की मदद से मिल रही है। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर में चाहे फसल बीमा योजना हो, सॉइल हेल्थ कार्ड का अभियान हो, सभी में स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। बिना स्पेस टेक्नोलॉजी के हम आज के आधुनिक एविएशन सेक्टर की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सब सामान्य मानवी के जीवन से जुड़े हुए विषय हैं। भविष्य में, और आपको मालूम होगा इस बार बजट में, हमने टीवी के माध्यम से बच्चों को ट्यूशन देने का, पढ़ाने का एक बड़ा अभियान करने की योजना बजट में बताई है। इतना ही नहीं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं और जिन बच्चों को गांव छोड़कर के बड़े शहरों में बहुत महंगी फी देकर के ट्यूशन लेना पड़ता है, उसको भी हम इस सैटेलाइट के माध्यम से उसके घर तक इसके रिक्वायरमेंट के अनुसार सिलेबस तैयार करवा रहे हैं, ताकि बच्चे उनको एक्स्ट्रा खर्चा न कर पड़े और गरीब का गरीब बच्चा भी अच्छे से अच्छी ट्यूशन सैटेलाइट के माध्यम से अपने टीवी स्क्रीन पर, अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, अपने मोबाइल पर आसानी से प्राप्त कर सके, उस दिशा में हम जा रहे हैं। साथियों, भविष्य में ऐसे ही अनेक क्षेत्रों में स्पेस टेक का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा बढ़ने वाला है। हम कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी को सामान्य मानवी के लिए ज्यादा से ज्यादा सुलभ बना सके, कैसे स्पेस टेक ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने का माध्यम बने, और कैसे हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देश के विकास और सामर्थ्य के लिए कर सकते हैं, इस दिशा में इन स्पेस और प्राइवेट प्लेयर्स को लगातार काम करने की जरूरत है। जियो स्पेशल मैपिंग से भी जुड़ी कितनी ही संभावनाएं हमारे सामने हैं। प्राइवेट सेक्टर की इनमें बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। हमारे पास आज सरकारी सैटेलाइट का बड़ा डेटा अवेलेबल है। अब आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर के पास भी अपना काफी डेटा होगा। डेटा की ये पूंजी आपको दुनिया में आपको बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। इस समय दुनिया में स्पेस इंडस्ट्रीज का साइज करीब $400 बिलियन का है। 2040 तक इसके $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने की संभावना पड़ी हुई है। आज हमारे पास टैलेंट भी है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन आज इस इंडस्ट्री में हमारे पार्टिसिपेंट केवल जनभागीदारी यानी प्राइवेट पार्टनरशिप सिर्फ 2% है।
हमें ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में अपना शेयर बढ़ाना होगा और इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर की बड़ी भूमिका है। मैं आने वाले समय में स्पेस टूरिज्म और स्पेस डिप्लोमेसी के क्षेत्र में भी भारत की मजबूत भूमिका देख रहा हूं। भारत की स्पेस कंपनियां ग्लोबल बने, हमारे पास ग्लोबल स्पेस कंपनी हो, ये पूरे देश के लिए गौरव की बात होगी। साथियों, हमारे देश में अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन अनंत संभावनाएं कभी भी सीमित प्रयासों से साकार नहीं हो सकती। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वाले नौजवानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म का यह सिलसिला आगे भी अनवरत जारी रहेगा। प्राइवेट सेक्टर की जरूरतों को सुना जाए, समझा जाए, व्यापार की संभावनाओं का आकलन किया जाए, इसके लिए एक मजबूत मैकेनिज्म बनाया गया है। इन स्पेस इस दिशा में प्राइवेट सेक्टर की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सिंगल विंडो इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। सरकारी कंपनियां, स्पेस इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स और इंस्टीट्यूट्स के बीच सामंजस्य के साथ आगे बढ़ने के लिए भारत नई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर भी काम कर रहा है। हम स्पेस सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भी जल्द ही एक पॉलिसी लेकर आने वाले हैं। साथियों, मानवता का भविष्य, उसका विकास आने वाले दिनों में दो ऐसे क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावी होने वाले हैं। हम जितना जल्दी उसको एक्सप्लोर करेंगे, दुनिया के स्पर्धा में हम देरी किए बिना जितने आगे बढ़ेंगे, हम परिस्थितियों को लीड भी कर पा सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। और वो दो क्षेत्र हैं, एक है स्पेस, दूसरा है सी, समंदर। ये बहुत बड़ी ताकत बनने वाले हैं और आज हम नीतियों के द्वारा उन सबको एड्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं और देश के नौजवानों को इसके साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। स्पेस के लिए हमारे युवाओं में, खास करके स्टूडेंट्स में जो क्यूरियोसिटी हो, वो भारत के स्पेस इंडस्ट्री के विकास के लिए बहुत बड़ी ताकत होती है। इसलिए हमारा प्रयास है कि देश में बनी हजारों अटल टिंकरिंग लैब्स में स्टूडेंट्स को स्पेस से जुड़े विषयों से निरंतर परिचित कराया जाए, उन्हें अपडेट रखा जाए। मैं देश के स्कूलों और कॉलेजों को भी आग्रह करूंगा कि वो अपने विद्यार्थियों को स्पेस से जुड़ी भारतीय संस्थाओं और कंपनियों के बारे में बताएं, उनकी लैब्स की विजिट कराएं। इस सेक्टर में जिस तरह लगातार भारतीय प्राइवेट कंपनियों की संख्या बढ़ रही है, उससे भी इन्हें मदद मिलने वाली है। आपको ध्यान होगा कि भारत में पहले, मुझे मालूम नहीं ऐसा क्यों था, लेकिन था, मुझे दायित्व मिला उसके पहले स्थिति यह थी कि जब सैटेलाइट लॉन्च होता था तो उस पूरे क्षेत्र में किसी को एंट्री नहीं होती थी और हम जैसे जो नेता लोग होते हैं उनको वीआईपी की तरह वहां 12-15 लोगों को इनवाइट करके दिखाया जाता था कि एक सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है।
और हम भी बड़े उत्साह के साथ देख रहे थे। लेकिन मेरी सोच अलग है, मेरा काम करने का तरीका अलग है। जब मैं पहली बार वहां प्रधानमंत्री के रूप में गया तो हमने एक निर्णय किया था। हमने देखा है कि देश के छात्रों में दिलचस्पी है, क्यूरियोसिटी है, और उस बात को ध्यान में रखते हुए जहां से हमारे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं वो हरिकोटा में, श्रीहरिकोटा में हमने एक बहुत बड़ी लॉन्च देखने की, जब सैटेलाइट जाता है उसको देखने के लिए व्यू गैलरी का निर्माण किया है। और कोई भी नागरिक, कोई भी स्कूल का विद्यार्थी भी इस कार्यक्रम को देख सकता है, और बैठने की व्यवस्था भी छोटी नहीं है, 10,000 लोग बैठ करके इस सैटेलाइट लॉन्च को देख सके इसका प्रबंध किया है। चीजें छोटी लगती हैं लेकिन भारत के जीवन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव हो रहा है। साथियों, इन स्पेस हेडक्वार्टर का लोकार्पण आज हो रहा है, एक प्रकार से गतिविधि का केंद्र बनता जा रहा है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि गुजरात अलग अलग सेक्टर्स में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े संस्थानों का सेंटर बनता जा रहा है। मैं भूपेंद्र भाई और उनकी पूरी टीम को, गुजरात सरकार के हमारे सभी साथियों को, उनके इस इनिशिएटिव के लिए, प्रोएक्टिव हर नीतियों को सपोर्ट करने के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपको मालूम है, अभी कुछ सप्ताह पहले ही जामनगर में WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का काम शुरू हुआ है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी हो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एनर्जी यूनिवर्सिटी हो, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हो, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन हो, चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी हो, कितने ही नेशनल इंस्टीट्यूट्स यहां आसपास में ही हैं। भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन, NGO इंफॉर्मेटिक्स यानी BISAT, इसकी स्थापना देश के अन्य राज्यों का भी प्रेरणा बन गई है। इन बड़े संस्थानों के बीच अब इन स्पेस भी इस जगह की पहचान बढ़ाएगा। मेरा देश के युवाओं से, विशेषकर गुजरात के युवाओं से आग्रह है कि वो इन बेहतरीन भारतीय संस्थाओं का पूरा लाभ उठाएं। मुझे पूरा भरोसा है आपकी सक्रिय भूमिका से भारत स्पेस सेक्टर में नई ऊंचाई हासिल करेगा। और आज के इस शुभ अवसर पर मैं खास करके जो प्राइवेट सेक्टर ने उत्साह के साथ भाग लिया है, जो नौजवान नए हौसले नए संकल्प के साथ आगे आए हैं, उनको बधाई भी देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं इसरो के सभी वैज्ञानिकों को भी, उस इसरो की पूरी टीम को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे विश्वास है गोयनका प्राइवेट सेक्टर में बहुत सफल व्यक्तित्व रहा है, उनके नेतृत्व में इन स्पेस सच्चे अर्थ में जो सपना हमारा है उस सपने को पूरा करने का सामर्थ्य लेके आगे बढ़ेगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ, अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इन स्पेस के मुख्यालय के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री ने जिन बातों को सबके सामने रखा है उसमें उन्होंने कहा कि आज 21वीं सदी के आधुनिक भारत की विकास यात्रा में एक शानदार अध्याय जुड़ा है।